आरोप लगाने वाले व्यक्ति है वो प्रारंभ से ही उनका एटीट्यूड राम विरोधी रहा है। आज जो राम मंदिर पर आरोप लगाता है यही गैंग है जो राम के अस्तित्व पर चुनौती दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया कि राम मिथक है, राम हुए ही नहीं, काल्पनिक है, सकल कल्पित राम का व्यक्तित्व है। तो जो राम को नहीं मानता था, राम की जन्मभूमि को नहीं मानता था, जो कल तक पूरे दृढ़ता के साथ कहता था कि मैं राम हुए है, मैं राम की एक जन्मभूमि, वह व्यक्ति अचानक मोड़ लेता है और उसके अंदर से कर्मा जागृत होता है राम का। इतिहास कहता है कि राम के साथ प्रपंच भी और षड्यंत्र भी दोनों हुआ था। षड्यंत्र के कारण से जिस दिन उनको राजगति मिली थी उस दिन उनको विश्वास नहीं पूछा और प्रपंच के कारण से मायापति को भी निशाचरों की माया समझ में नहीं आई और मारी थी सोने का मृग बन गई। कोई वहां पर काले में भी आकर के राम नाम का गीत गाने लगा। ये राम नाम इसीलिए गा रहा था कि राम के काम जो हनुमान कर रहे थे उसमें भटकाव हो जाए। तो ये अटकाने भटकाने और लटकाने का केवल प्रयास है। यदि राम के प्रति समर्थन होता, अभी जो हमारी प्रियंका जी कह रही है कोई पाप हो रहा है, जिस दिन राम के अस्तित्व को इनके सारे लोग बता रहे हैं, जिस दिन नेहरू राम के मूर्ति को मंदिर से बाहर फेंकवा दिया था उस दिन कौन पाप हो गया, जिस दिन राम भक्तों को राम जन्मभूमि से 3 किलोमीटर दूर स्वर्गों के पुल पर घेर के गोलियों से छाली कर दिया गया था और रावण राम की पावन भूमि को रक्त रंजित किया था उस दिन कौन पाप हुआ था। इसलिए सारे लोग विश्वास हो चुके हैं और विश्वसनीय है, उनके द्वारा लगाए गए आरोप मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है। यदि वो राम पर आरोप लगाए तो पहले अपने हृदय को साफ करें। यदि उनको राम के प्रति ममता हो, मंदिर के बनने के प्रति सहानुभूति होती, तो अयोध्या जो आज वो बुमा रहे पूरा आरोप लगाने के लिए ट्रस्ट के पास बैठता, सूचना करता ये काम गलत दिशा में चला जाएगा, सुझाव करता, तब तो किसी से मिला नहीं आज तक और रोड पर छोड़ा है आरोप लगा रहे हैं। मेरे समझ में ये ऐसे ही लोग हैं भटकाने भटकाने लटकाने की बात कर रहे हैं। न्याय निर्णय सुप्रीम कोर्ट देने के लिए तैयार, और याद करिए यही गैंग था जो सुप्रीम कोर्ट में कहता था पार्लियामेंट चुनाव के बाद सुनवाई हो, अभी सुनवाई होगी तो बीजेपी को लाभ होगा। 2022 में चुनाव है, 8 प्रांतों का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, और इसीलिए इस मुद्दे को विकृत स्वरूप दे रहा है ताकि हिंदू बटे और राम का काम अटक जाए।